स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो को पूरी देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज डिकन्स इनकम्प्लीट वर्क। डिकन्स का जो है इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है? ये है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जिनका इनकम्प्लीट वर्क है। नेक्स्ट है विच इज डिकन्स ऑटोबायोग्राफिकल नोवल। चार्ल्स डिकन्स का जो ऑटोबायोग्राफिकल नोवल है वो कौन सा है? वो है डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट है द फेमस लाइन है, इसमें एक लाइन दी गई है, वेयर इग्नोरेंट आर मीड क्लास बाय नाइट इज टेकन फ्रॉम अ पोयम बाय। ये एक लाइन दी गई है जो कि पोयम से ली गई है। ये जो है पोयम डोवर बीच से ली गई है और ये पोयम जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है इस पोयम को, और ये पोयम पब्लिश हुई थी 1867 में। और किस कलेक्शन में हुई थी? ये न्यू पोयम्स का कलेक्शन था, उसमें ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ life? पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कौन मानते थे? ये मैथ्यू आर्नोल्ड मानते थे। और किसमें कहा था उन्होंने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? ये कहा था उन्होंने अपने एक ऐसे में द स्टडी ऑफ पोएट्री में इन्होंने पोएट्री को जो है एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के रूप में रिगार्ड किया था। नेक्स्ट है राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो वर्ब फॉर्म है वो क्या होगी? वो होगी मैनेज। नेक्स्ट फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। इसमें जो है अंडरलाइंड एक्सप्रेशन कौन सा है? ये है हमारा मॉडल पैसिव में है। ये मॉडल पैसिव कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें है कैन मे माइट मस्ट विल शैल वुड शुड कुड आर नोन एज मॉडल वर्ब्स। वेन वी चेंज एन एक्टिव सेंटेंस विद मॉडल वर्ब्स इन टू पैसिव वी यूज मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो है ये विल नॉट बी रिसीव्ड है, ये मॉडल पैसिव है। नेक्स्ट है हमारा When was literature and dogma published? ये literature and dogma कब published हुआ था? ये हुआ था 1873 में। और ये किसका वर्क है? ये मैथ्यू आर्नोल्ड का एक मेजर वर्क है। नेक्स्ट है Who is Machiavelli? Machiavelli कौन है? तो Machiavelli जो है एक फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन है और ये फ्लोरेंस में पैदा हुए थे, ये जो है इटली में है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है किस लिए प्रसिद्ध है? वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए प्रसिद्ध है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। नेक्स्ट है फ्री वर्स पोएट्री इज। ये फ्री वर्स पोएट्री क्या होती है? ये होती है कन्फॉर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। नेक्स्ट है हीरोइक क्वाट्रेन इज। हीरोइक क्वाट्रेन क्या होता है? ये फोर लाइन स्टैंजा होता है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस में होता है। तो हीरोइक क्वाट्रेन इज फोर लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। राइट द सिनोनिम ऑफ गोरगोन। ये गोरगोन का सिनोनिम क्या है? गोरगोन का सिनोनिम है एन अगली वुमेन। नेक्स्ट है राइट द सिनोनिम ऑफ नेमेसिस। नेमेसिस का सिनोनिम क्या है? नेमेसिस का सिनोनिम है अवेंजर। नेक्स्ट है द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज। शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग है वो कौन सा है? ये टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रू एग्यू चीक आर फेमस कैरेक्टर्स इन। ये जो दो कैरेक्टर हैं ये किसके कौन से ड्रामा में है? ये है ट्वेल्थ नाइट में है। फिर आपका एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। I wish to be considered as a teacher or as nothing. ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है? ये कहा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है
वॉट इज द सब टाइटल ऑफ प्रीलूड, प्रीलूड का जो है सब टाइटल क्या है, इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड और ये 14 बुक्स में लिखा गया है। पिछली बार एलटी के एग्जाम्स में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज और न्यू लव पाइन एट दैम बिहाइंड टुमारो। ये लाइनें जो है कहाँ से ली गई हैं? ये लाइनें ली गई हैं ओड टू अ नाइटिंगल, ओड टू ए नाइटिंगल जो कि कंपोज्ड हुआ था 1819 में और ये एक पर्सनल पोएम है और इसको किसने लिखा था, ओड टू अ नाइटिंगल को किड्स ने लिखा था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू एन एलिफेंट। तो इसमें जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या आएगा, इसमें दो दिए गए हैं कीप अप एंड कीप अप विद, तो इसमें जो है आपका कीप अप विद आएगा क्योंकि कीप अप विद का अर्थ है टू होल्ड और रिटेन इन वंस पोजिशन, सो इट्स जो है कीप अप विद। नेक्स्ट है फिल दिस, द कैट स्प्रैंग द टेबल, तो इसमें अप अपॉन ऑन इन, ये चार परिपोषण दी गई है तो इसमें कौन सी आएगी, इसमें आएगी अपॉन आएगी क्योंकि अपॉन जो है वहां पर यूज होता है जहां पर मूवमेंट होता है, वहां पर हम यूज करते हैं इसको अपॉन को। नेक्स्ट है ऑफ रिवेंस इज रिटन बाय, ऑफ रिवेंस किसने लिखा है, ये लिखा है फ्रांसिस बेकन ने और ये कब लिखा है, सॉरी फ्रांसिस बेकन का जो है लाइफ स्पेन क्या है, इनका लाइफ स्पेन है 1561 से 1626 इनका लाइफ स्पेन है, ये भी पिछली बार एलटी में पूछा गया था। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन बिलोंग टू, फ्रांसिस बेकन जो है कौन सी एज से बिलोंग करते थे, ये करते थे एलिजाबेथन एज और ये शेक्सपियर के ही कंटेम्प्ररी थे। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाय, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाय ये किसने लिखा है, ये लिखा है चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम ने, मैरी लैम इनकी बहन का नाम है। फिर है चेंज दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड अल्स आई एम अनडन, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इसको इसकी होगी ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। नेक्स्ट है द टर्म करटेल सोनेट इज कॉइंड बाय, ये जो द करटेल ये करटेल सोनेट है ये किसने कॉइन किया था, इसको किया था जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है 26 अ टर्म, सॉरी द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये किससे ड्राइव की गई है, ये है विलियम जेम्स ने और इसको 1890 में किया था और अपने किस वर्क में किया था, इन्होंने किया था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, इसका पहली बार इन्होंने यूज किया था। द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पंसेर्सो आर फ्रॉम ये किससे लिया गया है, इनका जो टाइटल है वो म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है और ये एल एलिग्रो एंड इल पंसेर्सो जो है ये किसका वर्क है, ये जॉन मिल्टन का वर्क है। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, इस कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज किसने लिखा है, ये लिखा है विलियम हैजलिट ने। नेक्स्ट है पुअर रिलेशंस इज एन एस्से बाय, पुअर रिलेशन जो है एक एस्से है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है चार्ल्स लैम के द्वारा। नेक्स्ट है हु रोड प्रीफेस टू औरंगजेब, ये प्रीफेस टू औरंगजेब किसने लिखा है, ये लिखा है जॉन ड्राइडेन ने। फिर इसमें कुछ यूनिवर्सिटी बिट्स दिए गए हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है तो मैंने ये सारे के सारे लिख दिए, आप देख लीजिए इनको। नंबर वन पे है जॉन लीली, ये भी यूनिवर्सिटी बिट है। सेकेंड है जॉर्ज पीले, थर्ड है रॉबर्ट ग्रीन, फोर्थ है मार्लो, फिफ्थ है थॉमस लॉज, सिक्स्थ थॉमस किड, सेवन्थ है थॉमस नास। और आज आपके लिए दो क्वेश्चंस,
कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर वन है हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। नेक्स्ट है हु रोट द कॉकटेल पार्टी। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।